पूरी दुनिया नियमों से बंधी होती है, कोई भी नियमों से बाहर नहीं है। चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी पर नियम अप्लाई होते ही, भले ही आपको समझ में ना आए लेकिन नियम आपको बांधे रखते हैं। इंसान तो क्या है, खुद नियंता भी नियमों से बंधा होता है। नियंता अपने नियमों को तोड़ता है लेकिन वो ब्रह्मांड में इकलौता मामला ही होता है, क्योंकि नियम यूं ही नहीं बदले जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा ठहरता है। अगस्त आ चुका है। अगस्त यानी भारत में त्योहारों की शुरुआत होने का महीना। अगस्त यानी रिमझिम का महीना। अगस्त यानी शिव का महीना। आज सुना रहा हूं एक ऐसे महान ऋषि की कहानी जिसके तप से शिव को नियम बदलने पड़े, यम को यानी यमराज को बैकफुट पर आना पड़ा। यमराज कभी बैकफुट पर आते हैं क्या? करते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो आ गए हैं मतलब विधान भी इधर उधर का हो जाए, वो बदल नहीं सकता। और ये कहानी भेजी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले विद्यापति दुबे ने। विद्यापति के घर का नाम बिन्नू है, हम लोग भी उन्हें प्यार से बिन्नू ही कहते हैं। अपने दोस्तों में तमाम जगह वो बिन्नू के नाम से ही जाने जाते हैं। बिन्नू मुझे बड़ा भाई मानते हैं। बिन्नू मेरे साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहे हैं। 2002-2003 में हम लोग दिल्ली में पढ़ रहे थे, तब बिन्नू स्टैंडर्ड चार्टर्ड में थे। अचानक से उन्होंने जॉब छोड़ी और अपना काम शुरू कर दिया। आज वो सेटल हैं। तमाम दुर्भी संधियों के बावजूद, तमाम कष्टों के बावजूद बिन्नू जुझारू रूप से लगे हुए हैं। हैंडसम आदमी हैं, बहुत सीधा साधा दर्शन है उनका। तो आज ये कहानी उन्हीं की तरफ से, और उन्होंने मुझसे सब कुछ शेयर किया। मैंने तुरंत कहा ये कहानी मैं सुनाऊंगा। तो आज की कहानी है मृत्युंजय से यम हारे। कहानी कंटिन्यू करते हैं। मृकंड ऋषि भगवान के अनन्य उपासक थे, लेकिन वे इस बात से दुखी थे कि विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया। उनकी किस्मत ने किसी बच्चे को नहीं लिखा। मृकंड ने सोचा कि महादेव सारे संसार के विधान बदल सकते हैं, तो क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी दर्शन नहीं दिए। लेकिन फिर भोले तो भोले हैं, भक्तों की भक्ति के आगे वे झुक ही जाते हैं। लिहाजा मृकंड के तप से महादेव प्रसन्न हुए। शिव ने प्रकट होकर ऋषि मृकंड से कहा कि मैं विधान बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन इस लेकिन में काफी कुछ छिपा था। शिव ने कहा, इस वरदान के साथ तुम्हें हर्ष के साथ दुख भी होगा। और इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब ईश्वरी वरदान में काफी कुछ छिपा होता है। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक है, पर इसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। मृकंड और उनकी पत्नी पर यह सब सुनते जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा। बेटा मिला वो गजब का होनहार है, पर अल्पायु, सारी खुशी दुख में बदल गई। मृकंड ने खुद को संभाल कर पत्नी को भरोसा दिलाया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए बेहद सरल सा काम है। मार्कंडेय थोड़े से बड़े हुए तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की उम्र बढ़ रही थी तो मां की चिंता भी कई गुनी बढ़ रही थी। मां भी विदुषी थी। बेटे मार्कंडेय ने एक दिन जब मां के दुख का कारण पूछा तो मां ने बिना किसी लाग लपेट के मार्कंडेय को यानी अपने बेटे को उसके अल्पायु होने की बात बता दी कि बेटा यही वजह है कि मैं दुखी रहती हूं। मार्कंडेय ने प्रण किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे। समय तो पंख लगाकर उड़ता है, उसे रोक पाना किसी के हाथ में कहां होता है। मार्कंडेय 12 साल के पूरे होने को आ गए थे। उसी अब बालक मार्कंडेय ने शिव आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर डाली और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम बंधनात्
मृत्योर मोक्षी मामृतात्। मृत्यु का समय निर्धारित था। यमदूत मार्कंडेय को लेने आ पहुंचे, लेकिन यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, घोर आराधना। थोड़ी देर तो उन्होंने इंतजार किया, पर जब मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था, कोई सवाल ही नहीं उठता था उनके उठने का। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस नहीं हुआ और वे लौट गए। यमदूतों ने यमराज को जाकर बताया कि बालक को यमलोक लाना तो दूर, वे उस तक पहुंचने का साहस तक नहीं कर पाए। यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं खुद लेकर आऊंगा। बस यमराज खुद मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय जोर जोर से मृत्युंजय का जाप कर रहे थे, महामृत्युंजय जप का। यमराज ने देखा, उन्होंने यमराज को देखा तो जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। अब यमराज ने मार्कंडेय को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की, और तभी वो हुआ जो सामान्य रूप से घटित नहीं होता। एक जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा, एक प्रकाश पुंज निकला और यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए थे। हाथों में त्रिशूल लिए शिव क्रोधित थे। उन्होंने यमराज को चेतावनी देते हुए कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का दुस्साहस कैसे किया? महाकाल यानी काल भी जिनके अधीन हो, महाकाल यानी अखिल ब्रह्मांड के मृत्यु के नियंता, प्रचंड रूप में महाकाल को सामने देकर यमराज कांपने लगे। बस इतना ही कह पाए, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, आपने ही तो मुझे जीवों के प्राण हरण करने का निष्ठुर कार्य सौंपा। यह सब सुनकर भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ और वे बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय पाठ करने वाले को कभी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से अल्पायु मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, आस्था बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। ये जीवन में लाना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान भी नहीं है। अगर प्रहलाद खौलते तेल में डुबाने पर, पहाड़ से फेंके जाने पर बच गए तो सिर्फ घनघोर आस्था से। आज भी हम अपार कष्ट में उसी परम पिता को याद करते हैं। उसके पास से मदद तो आती ही है, हौसला भी आता है, लेकिन हम ये सब समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ इतना सोचिए, हम अपने पिताओं पर कितना भरोसा करते हैं। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, पिता के पास हमारे हर सवाल, हर तकलीफ का जवाब होता है। फिर वो तो परम पिता है, उसके पास हमारे लिए कितना कुछ होगा। बस उसे सब कुछ समर्पित करके तो देखिए। इससे ज्यादा ज्ञान हो गया हो तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। मैं भगवान के दया से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मैं जितनी जल्दी हो सके भाग जाऊं अपने घर की तरफ। वो मुझे बुला रहा है, हाथ उठाकर बुला रहा है, चल रे मुसाफिर चल रे, अब अपने घर को चल रे।
एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,